दीदी भैया नमस्ते, प्रणाम, सुप्रभात। और सुबह के बजने वाले हैं तकरीबन 6 बजने वाले हैं प्रातः के, और आज है 22 जनवरी। और आज हम जा रहे हैं फिर से नज़दीक के पास के नज़दीकी मार्केट मंडी। खांसी हो गया क्या जी? चावल नींबू ये डाल के पी लिए ना। ओ, चाय में, चाय भी हम लोग पी लिए हैं। काली वाली चाय पीते हैं हम लोग, नींबू वाली चाय, ज़्यादातर काली वाली नींबू वाली चाय पीते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए सुबह प्रातःकालीन बहुत अच्छी भी रहती है। अदरक और काली मिर्च डालकर तो चाय पीकर तुरंत अब निकल रहे हैं सब्जी बेचने के लिए। अभिनव तुम आज जग गया बहुत जल्दी। नींद टूट गया। कैसे नींद टूट गया, खुल गई? चाय के पीते वक्त आवाज़ सुना रहा। अच्छा, चाय पीते वक्त आवाज़ सुनाई दे रहा था, यानी कि आपको धीरे धीरे। तो ठीक है दीदी भैया, निकलते हैं। काफ़ी अब विलम्ब हो रहा है क्योंकि वहाँ में प्रातः एकदम सुबह ही अल्हे सुबह जाने पर ही सब्जी मिलती है, नहीं तो। और उसके बाद ले लेते हैं ये हेलमेट, ये ज़रूरी संसाधन है, सुरक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़रूरी है, जो कि विपरीत परिस्थितियों में भगवान न करे, ईश्वर न करे, ऐसी कभी नौबत आए, ज़रूरत पड़े, लेकिन उस समय ये जीवन रक्षक साबित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी संसाधन है और इसे हर कोई को प्रयोग करना ही चाहिए। तो ये हेलमेट ले लेते हैं। और फिर इधर हमारा जो कल लाए थे नींबू बेचने के लिए, नींबू लाए थे हम कल बेचने के, वो वीडियो मैंने नहीं डाल पाया, तो ये नींबू भी ले लेते हैं। कल का बचा हुआ ये नींबू है, तो ये नींबू ले लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ हम रख लेते हैं। पहले तो हेलमेट उधर आरती जी को कह रहे हैं, सुन रहे हैं जी, नींबू पैक कर दीजिए, उठिए ना, नींबू उठा दीजिए, नींबू पैक कर दीजिए। हाँ, ई वाला में भर दीजिए, हाई वाला में, ये छोटका वाला में भर दीजिए। नींबू इसमें डलवा लेते हैं, नींबू लेते जाते हैं। कल लाए थे बेचने के लिए तो कल पूरा नहीं बिका था, थोड़ा बहुत बिका था तो और बच गया है, इसे आज बेचेंगे, साथ में ख़राब नहीं हुआ है। डाल दीजिए, ये नींबू हमने डाल दिया है कैरेट में, साथ में लेते जाते हैं नींबू। तराजू बटखरा भी डाल दीजिए इसमें। हाँ, पर्को दे दीजिए, बोरा दे दीजिए, दो बोरा दे दीजिए। है ना सब? सब सब है ना? ओके, ठीक है। देख, अच्छी तरह से बांधना। चलो एगो एक एक तरफ से बांधना, एक इधर एगो उधर, बस एगो इनमें से। तब बांध दिए हम लोग अच्छी तरह से, अब खुलेगा नहीं, गिरेगा नहीं, ठीक है। तो अब हम घर से निकल चुके हैं और थोड़ी दूर घर से आ चुके हैं, गांव से थोड़ी दूर पहुंचे हैं, अभी रास्ते में हैं। ये रास्ते का परिदृश्य है, काफ़ी घना घोर कोहरा, चारों तरफ कुहासा छाया हुआ है। आप इधर भी देख पा रहे होंगे, काफ़ी आज धुंध कुहासा है। 2-3 दिनों से पहले कुहासा कम थी, लेकिन फिर से कुहासा, धुंध और ठंड में भी आज थोड़ी बढ़ोतरी है। और इधर मैं रहा, और ये हेलमेट के शीशे पर थोड़ी सी धुंध जम जा रही, तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इसे
इसको एक काम करते हैं, इसको हटा लेते हैं तो अच्छा से दिखेगा इस तरह से। बाकी यही है अभी मौसम। तो अब आधा दूरी से ज़्यादा ही आ चुके हैं, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है बाज़ार मार्केट। अंततः अब आ गए हैं बाज़ार मार्केट, पहुँच गए हैं और चलते हैं मार्केट में। ये रहा मार्केट बाज़ार, देखते हैं वहाँ क्या कुछ बिक रहा है, जो सस्ता होगा जो सुलभ होगा वही खरीदेंगे। जो मटर छेमी बिक रहा है, छेमी बिक रहा है, देखते हैं क्या कुछ भाव है मटर छेमी का। मटर छेमी तो बिक रहा है। इधर गोभी बिक रहा है, यही गोभी है, आज तो छोटे छोटे पैकेट में आए हैं, पोलोथीन के बैग में आए हैं गोभी, देखते हैं क्या कुछ सस्ता रहता है। गाजर है, इधर गाजर है, ज्योतिष 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 मटर ज्योतिष। तो मटर लिए हैं, ये 18 किलो मटर है, छोटे छोटे पॉलिथीन में पैक होके आए हैं मटर, तो मटर ले लिए हैं। तो एक टमाटर ले लिए हैं और वही मटर छेमी लिए हैं, इसमें मटर छेमी है, इसमें मटर छेमी है। तो एक मटर छेमी, 18 किलो मटर छेमी और टमाटर और नींबू, घर से जो नींबू लाए थे बचा हुआ। अब सारा चीज़ बांध लिए हैं, सरिया लिए हैं, सारा चीज़ रख लिए हैं मोपेट पर। अब चलिए अब चलते हैं सब्जी बेचने, एक गांव से दूसरे गांव। मटर छेमी टमाटर कागजी नींबू, मटर छेमी टमाटर कागजी नींबू, मटर छेमी टमाटर लिया टमाटर नींबू लिया नींबू, मटर छेमी टमाटर कागजी नींबू। तो अब वापस आ गए हैं घर और सारी सब्जियां बिक चुकी हैं, बस यही 1.5 किलो भर टमाटर बचा है जो घर के लिए बचा कर लाए हैं। छोटे छोटे थे इसलिए छांटते छांटते चुनते चुनते ये थोड़ा सा बच गया है, इसे हम लोग घर में प्रयोग कर लेंगे, घर में सब्जी बना लेंगे। किधर है, छत पर है मम्मी बाबू, छत पे, और आरती जी छत पर हैं। और समय की बात की जाए तो तकरीबन अब 4 बजने ही वाले हैं। हैं आप, और अभिनव इधर सोया हुआ है, क्यों अभिनव सोया हुआ, क्यों है, क्यों सोया हुआ है, हैं ऐसे हवा आ रहा है बैठने पर, ठंडा लग रहा है। अच्छा यही है, अभी तो आ गए हैं आज थोड़ा सा जल्दी ही, 4 बजे के आसपास सब्जियां सारी बिक गई थी। और इधर हम गोइठे खरीदे थे हम लोग अपने पड़ोसी के पास से, पड़ोसी हमारे बगल में उनके जो गाय भैंस हैं तो वो गोइठा ठोकते हैं, गोइठा बनाते हैं, तो गोइठा हमारे छत पर सूख रही है। और इधर हमने कुछ लगाया हुआ है, अभी छोटा छोटा ही है, छत पर गमले में ये पालक है, अभी छोटे छोटे हैं अल्पावस्था में है। और इधर थोड़ा धनिया का पत्ता है, नीचे से बगान की मिट्टी को जमा करके और उसे थोड़ा सा गमले नुमा बनाकर इसमें लगाए हैं धनिया के पत्ते। और इधर उसी में लगा दिए हैं गुलदाब्दी का ये पौधा, गुलदाब्दी का फूल। और प्रज्ञा वहाँ खेल रही है अपने पास के ही, वो पड़ोसी के है के दादी जी लगती हैं, उनके साथ वो खेल रही है गांव के ही। और यहाँ से देखते हैं आवाज़ देने पर वो सुनती है या नहीं। प्रज्ञा वो देखिए
वो देखिए प्रज्ञा वहाँ से आ रही है। ये तो रखा है, भूख उगने लगा है। नहीं मामा, कान में से कुछ निकाल रही हैं, कान का जो गंदगी होता है, मैल कान का। अच्छा कपड़ा में रह है, फ्राक ले है तो बेटा उबर की कुछ 20 रुपया दे दे दी ऐसा दे रही है, देखनो लग ना जाए। पता है कि ये बोली आ रही है अरे कबाई कोसी कटवा ले खावा कितना गंदगी था कान में। हमारे छत से ही आपको सोन नदी का परिदृश्य दिख जाएगा। वो दूर आपको जो एक रेखा जैसी दिख रही हो वो हालांकि एक नहर है, नहर की छोटी सी इकाई है, लेकिन उसके ठीक पीछे सोन नदी है। बिल्कुल सोन नदी के तट पर अवस्थित हमारा गांव है। हाँ 10 का ये और 5 का ये, तीनों 5-5 रुपया के। हमारे ₹5 पल्ला दी बाबू। हाँ। रखो रखो चप्पल। चलिए आलू, चलिए आलू उबालिए। आज आलू के पराठे बनेंगे। ठंड अब फिर से काफी बढ़ चुकी है और बोरसी हम लोग जला लिए हैं आग तापने के लिए। शाम का समय है तो आरती कर दे रही हैं हमारी धर्मपत्नी जी। संध्या का समय है। और खाना बनने की तैयारी हो रही है, प्रारंभ हो चुकी है। आज आलू का पराठा बनेगा। आलू उबालने के लिए आलू को अब पानी में डाला गया है। जल्दी आलू उबाल कर पराठा बनेगा। बाबू और बच्चे इधर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहा है अभिनव तुम? क्या पढ़ रहा है? हिंदी नाम लिख रहा है। अच्छा। और इधर प्रज्ञा रही, प्रज्ञा भी कुछ पढ़ रही। क्या पढ़ रही है प्रज्ञा? मैथ। मैथ गणित है। ठीक है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अच्छा से मन लगा के पढ़ो। तो अब आलू हमारा उबाला जा चुका है और निकाल दीजिए आलू, थोड़ा एक दो को खा लेते हैं। निकाल दीजिए, मसाला भूजा जा रहा है। अब आलू डाला जा चुका है आलू का चोखा और इसको 2-3 मिनट तक भूजा जाएगा इसे। तो दीदी भैया इसी के साथ हम वीडियो ब्लॉग का आज समाप्त कर रहे हैं। उम्मीद है, आशा है कि आप लोगों ने पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा। इसी आशा उम्मीद के साथ कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और एक लाइक का बटन दीदी भैया जरूर दबाएं, एक लाइक का बटन दबाते जाएं और अपनी प्रतिक्रिया, अपनी कमेंट टिप्पणी क्रम संख्या में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हम अपने वीडियोज़ को और कैसे बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कि कभी और किसी और दिन। तब तक के लिए सभी दीदी भैया का बहुत बहुत आत्मीयता पूर्वक आभार धन्यवाद व्यक्त करते हैं। दीदी भैया नमस्ते, प्रणाम।